अब्दुलरहमान, जैसा कि आपने बताया कि हमारी नौजवान नस्ल को ख़राब करने में मुआशरा एक अहम रोल प्ले कर रहा है, लेकिन हमारी हुकूमत भी तो एक उसमें बराबर की शरीक है। जैसे कि देखा जाए कि हमारे मुल्क में बेरोज़गारी जो है वो बढ़ती जा रही है। 2019 के बाद 90% नौजवान नस्ल ऐसी है जो कि बेरोज़गार हैं, जिसकी वजह से वो डिप्रेशन का शिकार होते जा रहे हैं। इस हालत में क्या एक नौजवान नस्ल जो है वो अपने मुल्क और कौम की तरक्की में हम किरदार अदा कर सकती है क्या? एग्जैक्टली, देखिए नौजवान ही हैं जो यहाँ पर अहम किरदार अदा कर सकते हैं। अगर देखा जाए तो जो नई नस्ल है, जो नौजवान हैं, वही इसमें बेहतरीन किरदार अदा कर सकते हैं। और इसका सबसे बेहतर हल ये है कि हम अपने आप में क्रिएटिविटी पैदा करें। अब ये जो बेरोज़गारी हुई है, इसकी असल वजह क्या हुई है? इसमें हम जो काम कर सकते हैं, हम वो करने की बजाय हम दूसरे तीसरे कामों में लगे हुए हैं। नौजवान असल में उसमें एक एबिलिटी मखसूस रखी क्या गई है, एक चीज़। दूसरा, अगर देखा जाए तो नौजवान ख़ुद क्या कर रहे हैं। अगर मैं अपनी मिसाल दूं तो मुझे समटाइम बहुत सारी मुश्किलात जो हैं मैंने खुद फेस की, वो इस वजह से कि मैं घर वालों से अपनी फ़ीस और इस तरह के मामला जो हैं वो लेने की बजाय मेरी कोशिश ये थी, मेरी दुआ ये थी कि मैं ये जो मामला हैं खुद पे करूँ, मैं खुद इनको डील करूँ। और वो अल्लाह ताला ने मुझे बड़ी छोटी सी उम्र में अता कर दी ये एबिलिटी। तो इसमें अगर हम नियत करते हैं, अगर नौजवान नियत करते हैं, तो ये कोई मुश्किल नहीं। अगर गुर्बत को मिटाने के लिए हम कोशिश करते हैं तो कोई शक नहीं कि हमारी कोशिश जो है वो अल्लाह ताला रायगा नहीं जाने देता। और यहाँ पर पढ़ाई के साथ इसको अगर ये कम्बिनेशन किया जाए, तो जब आप कॉलेज क्रॉस कर लेते हैं तो मत सोचें कि अगले जो आपके मराहिल हैं वो आप बहुत आसानी से उनको डील कर पाएंगे। अगर आप इसी उम्र से काम स्टार्ट कर देते हैं, इसी उम्र में कुछ करना स्टार्ट कर देते हैं, वो कुछ भी हो सकता है। पार्ट टाइम में आप जॉब कर सकते हैं और उस जॉब से आप बिज़नेस बना सकते हैं। यहाँ समटाइम ये भी मसला होता है ना कि नौकरी नहीं करना चाहते, वेल एंड गुड, आप अपना काम बनाएं, थोड़ा बहुत बनाएं। इसमें ये अब मसला क्या है, मसला ये आ जाता है कि मुझे टाइम मैनेजमेंट का बहुत मसला है। मैं यूनिवर्सिटी कैसे जाऊंगा, कॉलेज कैसे जाऊंगा, उसके बाद की स्टडीज़ कैसे करूंगा। मैं तो आपके साथ प्रैक्टिकल बातें शेयर कर रहा हूँ ना कि हमने यूनिवर्सिटी में देखा है कि हम यूनिवर्सिटी से क्लास लेने के बाद काम भी कर सकते हैं। हमें अगर दिन में 2 क्लासेज हैं तो 3 घंटे सिर्फ वहाँ पर देने हैं और बाकी का काम, बाकी का सारा दिन हमें फ्री मिल जाता है। आजकल जो स्टडी है वो एक खुशी की बात ये भी है कि बहुत सारी चीज़ें डेवलप होना शुरू हो गई हैं, बहुत सारी चीज़ें प्रैक्टिकल में आना शुरू हो गई हैं। अगर आप एक अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं तो आपको ये पता होगा कि आपको अगर यूनिवर्सिटी में ही आप अच्छे तरीके से काम कर लेते हैं तो आपको घर जाकर रट्टे लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती और इसमें आप अच्छा खासा काम कर सकते हैं। गुर्बत को मिटाने के लिए असल में, इन शॉर्ट, हमें खुद कोशिश करनी पड़ेगी। हमें अपने हिस्से का दिया जो है वो खुद जलाना पड़ेगा। आपको, मुझे, पूरी कौम को, जितने भी नौजवान हैं, जो कोई सुन रहा है, उसको खुद का दिया खुद जलाना पड़ेगा। अगर आप गुर्बत को मिटाना चाहते हैं, अपने घर से ख़त्म कर लें, मुल्क कौम से आपको आहिस्ता आहिस्ता खुद ब खुद ही नज़र आना शुरू हो जाएंगे। जी, थैंक यू।